काफी समय से विवादों में घिरी संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती को सेंसर बोर्ड की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद मेवाड़ के पूर्व राजघराने ने इस पर नाखुशी जाहिर की है। राजघराने के प्रमुख महेंद्र सिंह मेवाड़ ने सेंसर बोर्ड पर उन्हें अंधेरी में रखने का आरोप लगाया है। महेंद्र सिंह ने इसको लेकर केंद्रीय प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। महेंद्र सिंह ने केंद्रीय प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी को लिखी चिट्ठी में सवाल किया है कि आखिर फिल्म के रिलीज को लेकर जल्दबाजी क्यों की जा रही है। उन्होंने लिखा कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म को हरी झंडी देने में जिस तरह से जल्दबाजी दिखाई है उससे बोर्ड की साख सवालों के घेरे में है। महेंद्र सिंह ने ईरानी से सवाल किया है कि जब विवाद हुआ तो 6 लोगों को फिल्म दिखाने की बात कही गई थी, लेकिन ये वादा पूरा नहीं किया गया और बोर्ड ने सिर्फ 3 लोगों को ही फिल्म दिखाकर खुद ही ये माहौल बना दिया कि फिल्म में सब ठीक है। महेंद्र सिंह ने पूछा कि उनके बेटे विश्वराज सिंह ने केंद्रीय सेंसर बोर्ड को खत लिखकर फिल्म से जुड़े कुछ सवालों का जवाब मांगा था, लेकिन उनका जवाब नहीं दिया गया। इधर पद्मावती विवाद पर शनिवार को सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने साफ किया कि फिल्म बिना किसी कट के और नाम में कुछ बदलाव के साथ रिलीज की जाएगी। टीम इंडिलिंक्स।